और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच चुके हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लेकिन पोलैंड से कीव तक की यात्रा प्रधानमंत्री ने एक खास ट्रेन से तय की थी। 10 घंटे की यह यात्रा प्रधानमंत्री ने जिस ट्रेन से यह यात्रा को तय किया था, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन से बाहर निकले, फोर्स वन ट्रेन जिससे प्रधानमंत्री बाहर निकले, तो देखिए कैसे बड़ी संख्या में यूक्रेन के मिनिस्टर्स, यूक्रेन के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए अधिकारी, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पोलैंड में भी इसी तरीके से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया था जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे थे। और क्योंकि यूक्रेन की यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि युद्ध के बीच भारतीय प्रधानमंत्री जो एक बड़े संदेशवाहक के तौर पर, एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर पहुंचे हैं जो लगातार ये मैसेज देते रहे हैं कि युद्ध से कुछ हल नहीं निकलेगा, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। पिछले महीने 7-8 जुलाई को प्रधानमंत्री रशिया गए थे, मॉस्को के दौरे पर थे। वहाँ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी कि उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने खुलकर युद्ध नहीं करने और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है ये बातें रखी थी व्लादिमीर पुतिन के सामने। और अब प्रधानमंत्री यूक्रेन दौरे पर गए हुए हैं, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उन्हें न्योता दिया था आने के लिए यूक्रेन। तो यूक्रेन जाने से पहले प्रधानमंत्री पोलैंड गए, पोलैंड में भी उन्होंने 45 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री जो कि पोलैंड गए हैं, वहां पर राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की है। और उनका यह कहना है कि पोलैंड के प्रधानमंत्री उनके अच्छे दोस्त हैं और उस दोस्ती के रिश्ते के नाते, बुलाने के नाते वो वहां पर गए। साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों को भी वहां प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। अपने बीच पाकर अपने देश के प्रधानमंत्री को भारतीयों में भी खासा उत्साह, जैसा हर जगह हम देखते हैं। और अभी यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फोर्स वन ट्रेन की, जिससे प्रधानमंत्री करीब 10 घंटे की यात्रा करके पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में हवाई यातायात पूरी तरह से बाधित है। रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे करीब 2.5 साल से युद्ध के बीच लंबे समय से हवाई यात्रा नहीं कर सक रहे हैं लोग। इसके पहले जब जो बाइडेन यूक्रेन पहुंचे थे, तो वो भी इसी ट्रेन से जेलेंस्की से मुलाकात करने के लिए पोलैंड से कीव तक गए थे। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब जब जेलेंस्की ने उन्हें बुलाया है, उन्हें निमंत्रण दिया है, उनसे मुलाकात करना चाहते थे, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से पहले पोलैंड और फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे हैं। और वहां पर कैसे उनका स्वागत किया गया है, ये तो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए, सेना में बैठे हुए तमाम बड़े चेहरे, साथ ही वो मंत्री जो जेलेंस्की जो यूक्रेन की व्यवस्था को संभाल रहे हैं इस वक्त, इन हालातों के बीच उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इसके साथ साथ भारतीय समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जय श्री राम, भारत माता की जय के नारों के साथ स्वागत किया है। एजेंडा क्या है पीएम का, ये आपको बता दें। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दी जाएगी, रूस यूक्रेन युद्ध पर मंथन किया जाएगा, क्योंकि खुलकर प्रधानमंत्री हमेशा से कहते रहे हैं कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जो हालात इस वक्त बने हुए हैं पिछले 2.5 साल से, इस पर युद्ध विराम होना चाहिए और इस पर बातचीत की जानी चाहिए। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको नेपाल से बताते हैं, जहां पर भारतीयों से भरी एक बस नदी में गिर जाती है। और नदी में गिरने के बाद आपको बता दें 40 भारतीयों से जुड़ी दुखद खबर ये आती है कि शायद उनकी जिंदगी बच नहीं पाई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नेपाल जा रही बस नदी में गिर गई और ये पोखरा से काठमांडू जा रही थी बस। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, अचानक से ये हादसा कैसे हुआ, कहां पर लापरवाही हुई, इसको लेकर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन ये जो वीडियो सामने आई है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो नदी है जिसमें 40 भारतीयों से भरी हुई बस गिर गई। देखिए इस मोड़ पर आकर, ये पूरा पहाड़ी इलाका आपको दिख रहा है नेपाल में, और यहाँ पर इस मोड़ पर आकर ही बस जो है अचानक से प्लंज हो जाती है, यानी कि गिर जाती है। और ये मार्स यांगडी नदी बताई जा रही है जहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। तनहुन ज़िला है नेपाल का, तनहुन ज़िला। और यहाँ पर बस जो है एकाएक देखिए हादसे का कैसे शिकार हुई, रेस्क्यू का काम चल रहा है। जो यात्री बस में फंसे हुए थे उनको बचाया जा रहा है, उम्मीद की जा रही है कि जिंदगी लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जाए। लेकिन अभी कितने घायल हुए हैं और कितनी लोगों की ज़िंदगी खत्म हुई है, इसको लेकर आंकड़ा साफ नहीं है। लेकिन ये जो बस है, आपको बता दें इसका नंबर था UPFT 7623। ये नंबर प्लेट इस बस के ऊपर लगी हुई थी और यही जो बस है वो पोखरा से काठमांडू जा रही थी जिस वक्त ये हादसा हुआ। और अभी भी और जानकारियां आनी बाकी हैं, लेकिन बहुत ही दुखद खबर, 40 भारतीयों से भरी हुई बस अचानक से नदी में गिर जाती है। और किस कदर, देखिए आसपास के लोग ही दिख रहा है कि रेस्क्यू कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऑफिशियल ऐसी यूनिफॉर्म नहीं दिख रही, लेकिन हाँ
देखिए रेस्क्यू के लिए देखिए टीम भी आई है यहाँ पर, ऑफिशियल टीम भी आई है, आसपास के लोग भी मदद कर रहे हैं, सब मिलके बचाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं ये जो पूरी बस है 40 यात्रियों से भरी हुई थी जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये नदी में गिरी। और मार्सियांगी नदी बताई जा रही है, तनहुन ज़िला है, जिसकी नेपाल की जो पुलिस है उन अधिकारियों ने इस खबर को पूरी तरह से कंफर्म किया है। प्लेट नंबर जो है बस के ऊपर वो बता रहे हैं UPFT 7623 बताई जा रही है, जो अचानक से उस नदी में गिर जाती है। क्या वजह रही, कितनी क्या रफ्तार ज़्यादा थी जो बेकाबू रफ्तार के चलते ये हादसा हुआ, और आप अंदाज़ा लगाइए कितना भयंकर ये हादसा रहा होगा नाविका, एक रफ्तार में बस आ रही है और नदी में एकाएक गिर जाए, कितनी बड़ी चूक होगी ये ड्राइवर की। और अधिकारी भी कंफर्म कर रहे हैं इस हादसे को लेकर, तस्वीर भी सामने आ रही है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, एक तरफ जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की तस्वीर तुरंत बात की, और ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जिस वक्त रेस्क्यू किया जा रहा था कि जो लोग सही हैं उनको अस्पताल पहुँचाया जा सके। यूक्रेन की राजधानी की पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। कीव में भारतीयों से मिले पीएम मोदी, लोगों ने पीएम मोदी का स्वागत किया, लगाए मोदी मोदी और भारत माता जय के नारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी करीब 6 से 7 घंटे यूक्रेन में मौजूद रहेंगे। अमेरिका दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा सप्लाई को लेकर भारत अमेरिका में हुआ बड़ा सैन्य समझौता, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा भारत अमेरिका के सैन्य संबंध मजबूत। अमेरिका में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है भारत, भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक, मीटिंग में जी किशन रेड्डी, राम माधव मौजूद, प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा संभव। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आप सरकार पर हमला, कहा केजरीवाल सरकार में बुजुर्गों को पिछले 5 महीने से नहीं मिला पेंशन, विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी हो जाएगी साफ। 5-5 महीने से बुजुर्गों की पेंशन रुकी हुई है, ये दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, और जमानती सिसोदिया के घूमने से कुछ नहीं होगा। अब ये दिल्ली की जनता मन बना चुकी, केजरीवाल जाएंगे। वृद्धा पेंशन पर बोली आप मंत्री आतिशी, कहा पिछले कुछ महीनों से 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी, केंद्र सरकार ने रोक रखी थी पेंशन। पिछले 5 महीने से इन 1 लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी। उड़ीसा विधानसभा चुनाव में जोरदार हंगामा, विपक्ष के विधायकों ने स्पीकर के आसन के सामने जमकर हंगामा किया।